पिछले हफ्ते से लेकर अब तक लोजपा में कई घटनाक्रम हो चुके हैं, पार्टी में कई बदलाव हो चुके हैं। हमारे साथ लोजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस हैं। इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति बनी कि ये कदम उठाना पड़ा। पार्टी में आक्रोश था, वर्कर्स में आक्रोश था, वो आक्रोश लोगों ने अपनी जाहिर किया और पार्टी को टूटने से बचा दिया। आगे की रणनीति क्या हो? आगे की रणनीति होगी कि हम पार्टी को के संगठन को काफ़ी मजबूत करेंगे। पूरे बिहार में जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हम जाएंगे, पार्टी का जो है रैली कराएंगे, धरना होगा, प्रदर्शन होगा और पार्टी को मजबूत करेंगे। आपने एक ऑफर दिया था चिराग पासवान को कि वो चाहें तो आ सकते हैं। मेरा अभी भी है। मेरा देखिए, चिराग पासवान हम बार बार कहते हैं कि चिराग पासवान मेरे घर का लड़का है, मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है। उससे व्यक्तिगत हमको कोई नाराज़गी नहीं है। उससे मुझको व्यक्तिगत में सही दिल से कहता हूँ कि चिराग पासवान मेरे सामने में पैदा लिए, हम लोग काफ़ी उसको मदद किए, सब कुछ किए, मेरा बेटा है, भतीजा है, हमको चिराग पासवान से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन जो बाहरी तत्व आके घुस गया और सामाजिक तत्व घुस गया और पार्टी नहीं, पार्टी और परिवार दोनों को मैं उसमें मतभेद पैदा करने का प्रयास किया, मेरा तो आज भी प्रयास है कि आवे मिल के हम लोग काम करें, चाचा भतीजा मिल के काम करें, इसमें हमको खुशी होगी, हमको खुशी होगी, इसमें कहीं कोई मुझको कोई आपत्ति नहीं है। दैनिक भास्कर से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि दुखी मन से ये कदम उठाना पड़ा और चिराग पासवान के लिए दिल में आज भी मलाल नहीं है, यदि वो आते हैं तो उनका स्वागत है। ब्रजम पांडे, दैनिक भास्कर, पटना। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।